उद्घाटन कर दिया है। उनके साथ खुद मुख्यमंत्री मौजूद हैं। महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी है, अटल सेतु का उद्घाटन किया है। मुंबई एयरपोर्ट को नवी मुंबई के एयरपोर्ट से जोड़ने वाला ये लगभग 22 किलोमीटर लंबा अटल सेतु, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें उस समय की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया, और उसके बाद जो प्रदर्शनी लगाई गई थी किस तरीके से समुन्द्र के बीच में इस पूरे सेतु का निर्माण हुआ, कितना मुश्किल था, क्या क्या चुनौतियां थी, वो सब कुछ प्रधानमंत्री ने जानी समझी। और आप जानते हैं, जब भी कोई इस तरीके का प्रोजेक्ट होता है प्रधानमंत्री उसमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं, और हर बात जो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, टेक्निकल स्टाफ उनको समझाता है, बताता है, उनकी अपनी क्वेरीज होती हैं, उसको वो सॉल्व करते हैं और पूछते हैं। अंकुर त्यागी जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, सबसे लंबा जिसे कहा जाए समुद्री सेतु जो है, आज उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हो गया है। मैं तीन तस्वीरों के साथ आपको पूरी तस्वीर ये स्थिति समझाने की कोशिश करूंगा। कैमरामैन से कहूंगा, ये वो जगह है जहां उस पुल का आखिरी छोर है, और ये यहां पर शुरू होगा। ये तकरीबन 22 किलोमीटर का लंबा पुल है, 22 किलोमीटर का समुद्री पुल, देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल। जरूरत क्या है, थोड़ा सा इसको मुंबई के लिहाज से अगर हम समझें तो जो अभी एक्चुअल फिलहाल रोड इस्तेमाल होती है, मुझे वाशी का टोल क्रॉस करते हुए फिर मुझे पनवेल यहाँ इस तरफ आने में, अगर मैं मुंबई से आ रहा हूँ तो मिनिमम मुझे 1.5 घंटे से अगर ट्रैफिक है तो 2 घंटे तक का सफर लग जाएगा। लेकिन अब जब ये ओपन हो चुका है तो ये रास्ता ओपन होने के बाद ये जो दूरी है महज 15 मिनट का रास्ता रहेगा। ये एक सबसे बड़ा कमाल, आपके मैन पावर आपका बचेगा, आपका फ्यूल यहाँ पे बचेगा, आपके जो सोर्सेस की जो पहले बहुत ज्यादा उसका मिसयूज होता था वो वहां पर बचता हुआ नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंस क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत हद तक किफायती रहने वाला है। अगर आप मैन पावर या फिर फ्यूल के एफिशिएंसी के हिसाब से बात करें, ट्रैफिक जाम जो लगा करता था 2 घंटे का, अगर इमरजेंसी हो किसी भी आदमी को नवी मुंबई से यहां कनेक्ट होने में तो वो तकरीबन 2 घंटे का जो वक्त था वो बदल के 15 मिनट में सिमट जाने वाला है। इसके आगे के भविष्य की जो योजनाएं हैं, जहां पे हम खड़े हुए हैं इस वक्त, यहीं से महज 15 मिनट की दूरी पर वो नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, जिसका निर्माण अभी फिलहाल यहां पर किया जा रहा है। यानी भविष्य में जब यहां पर एयरपोर्ट आ जाएगा तो आपको यहां से चर्चगेट के एरिया में जाने में सिर्फ आधा घंटा लगेगा। अगर मैं टोटल टाइम को कैलकुलेट करूं तो आप सोचिए कितना आपका फ्यूल बच रहा है, कितना मैन पावर बच रहा है, कितना वक्त बच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंकुर त्यागी, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। और जाहिर सी बात है कि मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, जितने मेट्रो सिटीज हैं, ट्रैफिक जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में लगने वाला समय बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में चाहे सीलिंग की बात की जाए और अब चाहे इस अटल सेतु की बात की जाए, मुंबई वालों के लिए मुझे लगता है इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता है जो आज प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, या ये कहिए कि महाराष्ट्र के लोगों को दिया है। अब बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी की सोच को अगर समेटने की कोशिश करूं तो बुनियादी ढांचे के ऊपर वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। शहरों को आपस में जोड़ना, शहरों के अंदर आपस में कैसे कम्यूट किया जाए, उस चीज को आगे लाके लॉन्ग टर्म विजन में, क्योंकि आपकी आबादी हर साल बढ़ रही है तो आने वाली जनरेशन कम से कम उतना ज्यादा हजल फील ना करें जैसा आज की जो जनरेशन है या जो बीती हुई जनरेशन ने फेस किया है। आपके ऊपर बोझ पड़ेगा, आपको आने वाली प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपके पास वो विजन होना चाहिए। और जो आज हो रहा है अटल जो सेतु है उसका उद्घाटन जो हो रहा है नवी मुंबई में, जहां पे खड़ा हूं 15 मिनट की दूरी पर, यहां पर महज 15 से 20 मिनट की दूरी पर जो नया पूरा एयरपोर्ट बन रहा है, या आने वाले विजन को ध्यान में रखते हुए जो देश का बुनियादी जो ढांचा है उसको तैयार किया जा रहा है, उसके लिहाज से यह बहुत अहम कड़ी है। मुंबई की मैं बात करूं, मुंबई को उस वक्त चारों तरफ से इस वक्त डेवलप किया जा रहा है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें फिलहाल मुंबई वासियों को फेस करनी पड़ रही हैं। इस पुल की बात करूं, 7 साल लग गए इसको बनने में, बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। 22 किलोमीटर का रास्ता है और समुद्र के रास्ते कनेक्ट करना है वहां जाकर, और उसमें भी आपको यह तय करना है कि आने वाले भविष्य में अगर कोई सुनामी आती है या तूफान आता है, ऐसे में आपका जो इतना तकरीबन 18,000 करोड़ के बजट से बनने वाला यह पुल है, ये इसको नुकसान ना पहुंचाए, इससे जान माल की नुकसान ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए 7 साल लग गए, लेकिन अब ये बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल ठीक है अंकुर, आप बने रहिए। अश्विनी पांडे भी मेरे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। अश्विनी, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए सुविधा तो बहुत शानदार अब मिलेगी, और जैसा कि अभी अंकुर भी बता रहे हैं
कि अब समय कम हो जाएगा, पेट्रोल बचेगा, मैन पावर बचेगी, लेकिन 375 रुपए बहुत बड़ी जिसे कहा जाए रकम है। अगर आप दो बार उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और 375 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी रकम है मुझे लगता है। क्या आने वाले दिनों में ये रकम कुछ कम हो सकती है, क्या चांसेस हैं अभी तो, अभी के हिसाब से अगर बात करें? जी देखिए, जो प्रपोज रकम थी यानी कि एक साइड का करीब 350 रुपये था, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट था टोल नाके को लेकर, जिसके बाद एक कैबिनेट बैठक हुई और उसमें 350 से 250 रुपये की गई, और आप अगर रिटर्न लेते हैं तो 375 रुपये देना होगा। एक साइड अगर आप जाते हैं सिर्फ तो 250 रुपये, ज़रूर रकम बड़ी है, लेकिन अगर हम इसको बड़े परिदृश्य में देखें तो अगर आप नवी मुंबई से आज के समय में, हालांकि अब तो उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अगर आधे घंटे पहले अगर आप नवी मुंबई से मुंबई की तरफ आते तो यहाँ तक आने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता है। जहाँ पर ये ब्रिज एंड होता है वहाँ से 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता, और ख़ासतौर पे पीकार में अगर आप आते, जब लोग अपने नौकरी के लिए मुंबई की तरफ आते हैं, अपने बिजनेस के लिए मुंबई की तरफ आते हैं, तो ऐसे में वो वक्त और बढ़ जाता है। ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या है मुंबई में, तो इसमें जैसा अंकुर ने भी कहा कि इसमें ईंधन की बचत काफ़ी होगी।